करते हैं, सरकार की मशीनरी के ऊपर आरोप लगाते हैं। दायरा तो हो जाता है ना सर, अगर पार्टी की बात कर लिया जाए, पार्टी नहीं हो पाता, देखिए व्यक्ति ज्वाइन करता है तो दायरा तो हो ही जाता है। इसको काटिएगा मत सर, बिल्कुल नहीं काटेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से बात करें, क्या भारतीय जनता पार्टी कितना खारा उतरी है जमीन पे, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा वकील साहब के। तत्कालीन सरकार ने एक षड्यंत्र करके उसको वहां उनको मनीष कश्यप को गिरफ्तार कराया और लगातार उनके खिलाफ कई फर्जी मुकदमे दाखिल। कृपा हुई कि वहां पर बिहार में वो तेजस्वी यादव के साथ जो अलायंस की सरकार थी वह गिरी, और उसके बाद कहता है सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करता है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी ऐसा राजनीतिक संगठन है जो उनके वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए सरकार से राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ शुरू से काम कर रहे थे, तो उनकी मंशा निश्चित तौर पर स्पष्ट थी कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से बीजेपी के लिए ही काम करना चाहते थे। यही तो बिहार सहित पूरे भारत में अगर देखा जाए तो अफरा तफरी मच गया है। जानते हैं क्यों? एक छोटा सा यूट्यूबर पूरे भारत को हिला के रख देता है। अब यूट्यूबर का ना अभी अब बंद कर दीजिए, अब कह लीजिए बीजेपी के नेता, अब लोग कहने लगे कि बीजेपी का गद्दावर नेता हो गया मनीष कश्यप। आज उसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि पूरी हाईलाइट दुनिया चल रही है मनीष कश्यप को लेकर कि बीजेपी ज्वाइन क्यों कर लिया। निर्दल चुनाव लड़ रहे थे, अचानक क्या आया कि बीजेपी क्या होता है कि उनको अपने साथ बुला लेती है, और बीजेपी खुद भारतीय जनता पार्टी अपना क्या होता है कि पार्टी ज्वाइन करवा लेती है। इसी चर्चा पे हमारे बीच में है आकांक्षा के चर्चित वकील शशांक सिंह जी। स्वागत है सर आपको। नमस्कार। कैसे आप देखते हैं सर, एक यूट्यूबर था, यूट्यूबर से पत्रकार, पत्रकार से अगर कहानी दिया जाए तो बीजेपी का हो गया, अब नेता कह लीजिए, और कुछ लोगों को लग रहा है कि क्या होता है कि भारत में फिर कुछ अलग भूचाल हो जाएगा, कैसे? देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी लीगल सेल का काशी क्षेत्र का संयोजक हूँ, और बहुत सारे मुकदमे हम लोग देखते रहते हैं। बिल्कुल। जो ये मनीष कश्यप वाला विषय है, यह जब मनीष कश्यप के ऊपर जो NSA लगाया गया था और उनको बिहार से जबरदस्ती गिरफ्तार करके ले गया था, उस समय मनीष कश्यप के काम की जो चर्चा लगातार हो रही थी, और मनीष कश्यप ने जिस तरह से समाज के आखिरी व्यक्ति के दर्द को उठाने का कार्य किया था, और जैसा कि आप सारे लोग भी करते रहते हैं, मैं इस बात की बड़ा प्रशंसक हूँ कि किस तरह से आप लोग YouTube पर काम करने वाले पत्रकार लोग किस तरह से इतने दूर दूर तक की यात्राएं करते हैं और कैसे समाज के दर्द को उठाते हैं। तो निश्चित तौर पर उसी कड़ी में जो दक्षिण भारत के कुछ जगहों पर मनीष कश्यप ने जो विषय उठाया था, जो बिहार के मजदूरों के साथ अत्याचार हो रहा था और समस्याएं उनके सामने आ रही थी, उसको लेकर के चूंकि मनीष कश्यप एक राष्ट्रवादी पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे, तो उसको लेकर के बिहार की तत्कालीन सरकार ने एक षड्यंत्र करके उसको वहां उनको मनीष कश्यप को गिरफ्तार कराया और लगातार उनके खिलाफ कई फर्जी मुकदमे दाखिल कराए, जिससे जनता का आक्रोश जो है कि जब सरकार के खिलाफ हुआ, तो और मनीष कश्यप ने भी कहा था और आपने भी मेरा बयान लिया था, तो मैंने भी कहा था, चैलेंज भी तो किए थे मनीष कश्यप, अगर कहां तक है कि एक पत्रकार किसी सरकार को चैलेंज कर दे, हम चैलेंज नहीं कर पाएंगे ना सर, आप पैसे से वकील हैं और वकील को हम चैलेंज करें, ये भी तो हमारी भूमिका नहीं है। जी बिल्कुल। देखिए मनीष कश्यप के ऊपर जिस तरह से अत्याचार हुआ था और बिहार के मजदूरों की बात उठाने पर जिस तरह से मनीष कश्यप के ऊपर NSA लगा करके उनको बंद किया गया था, तब जब मनीष कश्यप को गिरफ्तार किया गया, NSA लगा करके उनको जेल में रखा गया, तब मनीष कश्यप ने कहा था कि यह जो अत्याचारी सरकार है वह जाएगी और इस अत्याचारी सरकार के खिलाफ मैं लड़ता रहूंगा, और ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि वहां पर बिहार में वो तेजस्वी यादव के साथ जो अलायंस की सरकार थी वह गिरी, और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी का अलायंस हुआ तो ज्यादा बेहतर माहौल बना और मनीष कश्यप के रिहा हुए जेल से, और उसके बाद अब मनीष कश्यप ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। निर्दल लड़ रहे थे अभी तो चारों तरफ आकार माता की निर्दल लोकसभा की चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन अचानक ना जनता से पूछते हैं, ना बिहार के लोगों से पूछते हैं, ना किसी सगे संबंधित से पूछते हैं, और अचानक बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। देखिए ये कोई भी प्रक्रिया अचानक नहीं होती, और एक विषय आप जानिए भाई साहब, आप खुद बहुत महत्वपूर्ण पत्रकारिता करते हैं,
इस देश में अगर राष्ट्रभक्त कोई है तो वह अगर राष्ट्र की बात करेगा तो और कोई राजनीतिक दल उसका पोषण नहीं करेगा, उसका उसको दबाएगा, उसके साथ अत्याचार करेगा। लेकिन यदि कोई राष्ट्र की बात करता है, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करता है, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ऐसी ऐसा राजनीतिक संगठन है जो उनके वेलफेयर के लिए, उनके विकास के लिए काम करता है। तो निश्चित तौर पर मनीष कश्यप जिस प्रकार से राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ शुरू से काम कर रहे थे, तो उनकी मंशा निश्चित तौर पर स्पष्ट थी कि भारतीय जनता पार्टी शुरू से बीजेपी के लिए ही काम करना चाहते थे। यही तो यही मैं कह रहा हूं, जो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ काम करेगा उसको लोग समझते हैं कि वह जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है, तो निश्चित तौर पर हर राष्ट्रवादी का ठिकाना अंतिम तौर पर भारतीय जनता पार्टी ही है। बीजेपी अगर बात कर ले, बिहार के लोग कह रहे हैं कि जो चिल्लाता था चीखता था कि मैं कभी किसी पार्टी का नहीं हूं, मैं अकेला हूं और अकेले आप लोग की लड़ाई लड़ूंगा, पूरे बिहार को बदलना चाहता था, आज क्या लगता है कि बीजेपी का दामन थाम के बिहार को बदल पाएंगे? हाँ बिल्कुल, अगर भारतीय जनता पार्टी को मनीष कश्यप ने ज्वाइन किया है, निश्चित तौर पर अभी परसों उनकी ज्वाइनिंग हुई है, तो निश्चित तौर पर मनीष कश्यप ने कुछ जरूर बातचीत की होगी पार्टी से और उनके एजेंडे पर वो कैमरा कह रहे हैं कि हमको पता ही नहीं था, मां ने सब प्लान पहले से बना रखा, अब उनको पता अचानक टिकट हो जाता है कि मनोज तिवारी जी के साथ जाना है अचानक। ठीक बात है, अगर मनीष कश्यप जी ऐसा कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनकी मां ने ये प्लानिंग की होगी, और मां किसी भी व्यक्ति की जो सबसे बड़ी शुभचिंतक होती है, और मनीष कश्यप ने जो निर्णय लिया है मुझे लगता है बिहार की जनता उनके साथ रहेगी और इसका जरूर राजनीतिक लाभ भी बिहार में उन लोगों को नहीं मिलेगा जिन लोगों ने मनीष कश्यप के ऊपर अत्याचार किए थे, मनीष कश्यप को जबरदस्ती जेल में डाला था, कई सारे मुकदमे मनीष कश्यप के ऊपर लिखे गए थे, तो निश्चित तौर पर इसका नुकसान उन लोगों को होगा जिन लोगों ने मनीष कश्यप के साथ अत्याचार किया था। बिहार की जनता देख रही है, मैं देख रहा हूँ मनीष कश्यप के यूट्यूब चैनल को, मैं कल देख रहा था उनकी ज्वाइनिंग को, मुझे लगता है 50 लाख या 48 लाख के आसपास उस पर वो व्यूज चल रहे थे, तो निश्चित तौर पर बिहार की जनता ने और पूरे देश की जनता ने मनीष कश्यप को एप्रिसिएट किया है और मनीष कश्यप के साथ है बिहार के लोग। लेकिन बीजेपी का दामन थामने फिर उन्होंने ललकारने लगे तेजस्वी को कि मैं अब तेजस्वी को क्या, तेजस्वी को तो वो देखिए ललकार रहे थे जेल में से, मनीष कश्यप ऐसा व्यक्ति मुझे दिखे जो जेल में रह करके तेजस्वी यादव को ललकार रहे थे, ये सामान्य घटना नहीं है। जेल में रहकर सरकार के खिलाफ बोलने के का जो जुनून होता है वो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति के अंदर ही आ सकता है। नहीं, बहुत बड़े बड़े अपराधी जेलों में है जो जेल के बाहर होते थे तो कितने शेर की तरह दहाड़ते थे और जेल के अंदर है तो कैसे भीगी बिल्ली बने नजर आते हैं। तो मनीष कश्यप का जो व्यवहार था वो जेल में भी जैसा था वैसे ही बाहर आने पर भी है, इसलिए उसको जो बिहार की जनता बिहार का शेर कह रही है। मैं देखिए आपने भी मेरा बयान लिया था और उस वक्त बहुत आपके यहां भी बहुत ज्यादा लोगों ने इसको एप्रिसिएट किया था। मुझे लगता है 1.5-2 लाख तो कमेंट्स मनीष कश्यप के यूट्यूब पर चल रहे हैं इस समय, तो इतने बड़ी मात्रा में यदि पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं निश्चित तौर पर 100-200-500 निगेटिव कमेंट्स भी होंगे, मैं उसे इनकार नहीं करता हूं, लेकिन ऐसे मनीष कश्यप को बिहार की जनता ने एप्रिसिएट किया है। और देखिए भारतीय पार्टी इस बार बिहार में कम से कम मतलब 2/3 से ज्यादा वहां की सीटों में उसको बिहार में भाजपा को मिलेगा। कहना कि बीजेपी डर गई थी इसलिए क्या होता है कि उसका जनसैलाब देखकर बीजेपी डर गई थी इसलिए उसे अपने क्या होता है कि फंदे में फंसा लिया, ताकि क्या होता है कि डर गई थी नहीं भारतीय जनता पार्टी ने यह देखा कि किस प्रकार से मनीष कश्यप के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और आपको याद होगा जो चूंकि NSA में जो परमिशन लेनी पड़ती है गृह मंत्रालय से, वो परमिशन गृह मंत्रालय ने नहीं दी थी, बिना गृह मंत्रालय के परमिशन के उनको इनको पर NSA लगाया गया था, और उस NSA के का चूंकि भाजपा ने परमिशन नहीं दिया था, भारतीय जनता पार्टी या गृह मंत्रालय यह जानता था कि उनके ऊपर जो NSA लगाने के प्रावधान है उनको गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया गया है, तो निश्चित तौर पर मनीष कश्यप की मदद की गई थी, हम लोगों ने भी मदद की थी मनीष कश्यप की, मनीष कश्यप के लोग आए थे मनीष कश्यप के लिए, हम लोगों ने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक में भी लिखा था, कहा था, गृह मंत्रालय में हम लोगों ने लेटर्स लिखे थे, आपके संज्ञान में ये सारी चीजें हैं। चुनाव तो लड़ने के लिए मना कर दिया गया कि तुम साहब सांसद की चुनाव ना लड़ो या विधायकी की चुनाव ना लड़ो, सिर्फ एक क्या होता है कि उनको बीजेपी का अगर देखा जाए
तो समर्थक कह लीजिए या फिर बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी में किसी भी व्यक्ति को चाहे उसका कद कितना भी बड़ा हो, जब वह ज्वाइन करता है तो उसको यह आश्वासन नहीं दिया जाता है कि आप चुनाव लड़ेंगे और आपको चुनाव लड़वाया जाएगा। ऐसे लोगों की भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं है। लेकिन मनीष कश्यप ने जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में आना स्वीकार किया और हम लोग मनीष कश्यप के साथ हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए तो क्या लगता है कि मनीष कश्यप इस बार फिर पत्रकारिता करेंगे या फिर नेता बन के रह जाएंगे? एक पत्रकार और एक वकील, मुझे लगता है कि समाज में अच्छा नेता हो सकता है। जैसे अब आप हैं, आप बहुत सारे समाज के ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिन मुद्दों में दबे हुए लोग, कुचले हुए लोग या अत्याचार जिनके साथ हो रहा है वो विषय, तो जब आप लोग जनमत किसी चीज़ का क्रिएट करते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छी तरह सरकार उसको समझ पाती है, लोग उसको समझ पाते हैं और सरकार को कानून बनाने में मदद मिलती है। तो मनीष कश्यप के साथ आपके जैसे लोगों का बड़ा समूह है और मुझे लगता है कि मनीष कश्यप के आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा और जो गरीब लोगों की और निचले तबके के लोगों की आवाजें मनीष कश्यप और आप लोग उठाते रहते हैं, निश्चित तौर पर उससे भी समाज में एक बदलाव आएगा। लास्ट सवाल करना चाहूंगा सर, जिस तरह से बिहार में अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार, लोगों का कहना कि जिस तरह से नीतीश कुमार पलटी मारते रहे उसी तरह मनीष कश्यप भी पलटी मार गया, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए नीतीश कुमार जी के बारे में मैं नहीं कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन मैं मनीष कश्यप के बारे में जरूर यह कहना चाहता हूं कि मनीष कश्यप एक पत्रकार के रूप में काम कर रहे थे, उनके साथ जिस प्रकार का अत्याचार हुआ उस समय उनको यह समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेने से हमको हमारा काम करने में ज्यादा आसानी होगी। तो निश्चित तौर पर मनीष कश्यप भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, मनीष कश्यप का स्वागत है। और मनीष कश्यप ने चूंकि उसके पहले वो किसी राजनीतिक दल में नहीं थे और किसी राजनीतिक दल का वो प्रचार नहीं कर रहे थे और माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा से प्रभावित होकर के यदि वो भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बने हैं तो उनका स्वागत है। मैं तो कहता हूं आपका भी स्वागत है, आप भी आइए। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो अब लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कहेगी उसी तरह से, जिस तरह से कुछ भी कहीं जाके चिल्ला देते थे, चीख देते थे, मुद्दों को उठा देते थे, अब तो नहीं उठा पाएंगे। अब तो भारतीय जनता पार्टी जो कहेगी वही करेंगे ना, यही तो होता है, रूल तो यही होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कई मुकदमे हम लोग एक अधिवक्ता के रूप में जब काम करते हैं तो हर मुकदमों में हम लोग सरकार के खिलाफ लड़ते हैं और सरकार के खिलाफ काम करते हैं, सरकार की मशीनरी के ऊपर आरोप लगाते हैं। दायरा तो हो जाता है ना सर, अगर पार्टी की बात कर लिया जाए, पार्टी एक व्यक्ति ज्वाइन करता है तो दायरा तो हो ही जाता है ना। सारा काम एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ठीक। कुछ लोग यदि कोई बात उठाते हैं तो वह बात सरकार तक पहुंचती है और निश्चित तौर पर मनीष कश्यप का ऐसा व्यक्तित्व तो है कि वह जिस प्रकार से सरकार के खिलाफ या लोगों की मदद के लिए बोलते रहे वो बोलेंगे, हम लोग भी बोलते हैं। हम लोग कई बार सरकार के खिलाफ जाते हैं। आपको याद होगा, आपने जिस मुकदमे का सबसे पहले जिक्र किया था उस मुकदमे मैंने एक बनारस के कमिश्नर के खिलाफ मुकदमा दायर करने का एप्लीकेशन दिया था, बनारस के एडिशनल कमिश्नर के खिलाफ दिया था, बनारस के सीओ के खिलाफ, एडिशनल सीपी के खिलाफ मैंने दिया था और सरकार से हम लोग लगातार लड़ाई लड़ रहे थे। तो निश्चित तौर पर एक अधिवक्ता के रूप में, एक पत्रकार के रूप में हम लोग अपने दायित्व को निभाते रहते हैं, लेकिन जहां राष्ट्र की बात आती है, समाज की बात आती है और वहां हम लोग पार्टी के साथ खड़े रहते हैं। चलिए मित्रों, इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइए। जिस तरह से मनीष की चर्चा है, मेरा एक निवेदन आपसे भी है कि आपने भी बड़ा सहयोग मनीष कश्यप का किया था और यूट्यूबर्स के लिए तो खैर विशेष रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी काम किया है और 1-1 करोड़ का नाम दिया है 10 यूट्यूबर्स को, तो मुझे लगता है कि उसके लिए एक अलग से उसके लिए रचना की गई है उसके डेवलपमेंट के लिए और जिस प्रकार का डाटा माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में सबसे सस्ता डाटा यदि कहीं है तो भारत में है, तो जिस प्रकार से इस डाटे का उपयोग करके एक नए व्यवसाय के रूप में यूट्यूब का की पत्रकारिता ने जो डेवलपमेंट किया है तो निश्चित तौर पर उसमें आप सब यूट्यूबर्स को भी भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव में खड़े होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। और आप सबसे भी निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आप विचार करें और अगर आपको उचित लगता है तो राष्ट्रवादी सरकार के पक्ष में मतदान करें।
चलिए मित्रों, ये इसको काटिएगा मत सर। नहीं, बिल्कुल नहीं काटेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी का जिस तरह से बात करें, क्या भारतीय जनता पार्टी कितना खारा उतरी है जमीन पे, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। वकील साहब के बातों का जवाब दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। बने रही वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार, धन्यवाद। आप सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू।